हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रेड टॉक मार्केट्स द वीक अहेड आज हम आपको तीन स्टॉक्स बताएंगे जो स्टॉक्स में हम मोमेंटम देखते हैं हम हर हफ्ते ये एनालिसिस करते हैं कि तीन कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होते हैं जो आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड करके ट्रैक कर सकते हैं नॉर्मली दी स्टॉक्स शो मूवमेंट इन वीक एंड मंथ बेसिस ये जो होते हैं वो ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं स्टॉक्स जिसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया है जहां जहां आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ अपसाइड बन सकता है तो आप ये वीडियो देखना ना भूलिए

ये स्टॉक ने एक हजार साठ से लेके अभी का जो लेवल है बारह सो उन्नीस तक वन साइड मूव दिया है ओनली ग्रीन कैंडल्स बहुत ही बढ़िया मूव है वीकली बेसिस पे देखो तो बहुत ही अच्छा मूव दिख रहा है उसने ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लेवल्स को क्रॉस कर दिया है ट्वेंटी ट्वेंटी वन के हाइस को क्रॉस कर दिया है अभी और क्लोज भी उसके ऊपर दिया है यू कैन एक्सपेक्ट दैट दिस स्टॉक गिव्स यू अ गुड मूव ऑन द अपसाइड मंथली चार्ट अगर आप देखो तो मंथली बेसिस पे भी ये स्टॉक ने ब्रेकआउट uh, दे दिया है मंथली बेसिस पे ये स्टॉक ने हाईएस्ट क्लोज दे दिया है तो ये स्टॉक रहेगा हमारे वॉचलिस्ट पे क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी हमारे ऑल टाइम हाई के क्राइटेरिया में मैच करता है जैसे कि आप देख सकते हो ये स्टॉक ने हाईएस्ट क्लोजिंग दिया है फ्रॉम uh, स्टार्टिंग तो ये स्टॉक हमारे वॉचलिस्ट पे रहेगा ट्वेल्व ट्वेंटी के अराउंड जो रेट है आप देख सकते हो और उसका जो प्रीवियस लो है जो स्विंग लोस बनते हैं ये स्विंग आपके रह सकते हैं जो जो कि ये मूविंग एवरेज बनाया है हमने वो आपके स्टॉप लॉस रह सकते हैं यू कैन टेक ट्रेड्स टू मेक मनी फ्रॉम दिस मोमेंटम दूसरा जो स्टॉक है वो है टाटा कंज्यूमर टाटा कंज्यूमर भी हमारा स्टॉक uh, uh, सेम uh, फॉर्मेशन जैसा है ऑल टाइम क्लोजिंग दे दिया है ये स्टॉक ने डेली चार्ट पे देखो तो डेली चार्ट बहुत ही बढ़िया मूव आया है उसके बाद वीकली और मंथली देखो तो दिस स्टॉक हैज गिवन द हाईएस्ट क्लोज तो ये स्टॉक भी और प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है ये प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल से ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और हाईएस्ट uh, लेवल पे क्लोजिंग दिया है आपको ये स्टॉक फॉर श्योर ट्रैक करना है अपने पोर्टफोलियो में या वॉच लिस्ट में ऐड करना है अपॉर्चुनिटी मिलते ही पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो तो ये स्टॉक भी टाटा कंज्यूमर जो कि प्रीवियस स्विंग लोस के हिसाब से आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो और उसके ऊपर बाय ट्रेड बना के रख सकते हो और तीसरा जो स्टॉक है वो है हमारे शिपिंग स्टॉक है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये जो स्टॉक है ये वीकली बेसिस पे बहुत ही बढ़िया क्लोज दिया है आप देख सकते हो कि प्रीवियसली uh, मतलब उसके पहले जब ये स्टॉक आया था ये लेवल पे वो था 2010 तो 2010 के बाद आप देख रहे हो शिपिंग कॉरपोरेशन में ये लेवल्स आए हैं तो ये बहुत ही uh, बड़ा मूव दिया है सो बेसिकली इट इज अ 13 ईयर का प्राइस ब्रेकआउट 13 ईयर तेरह साल का ब्रेकआउट है स्टॉक ये रेंज पे तेरह साल की बाद आया है सो यू कैन वॉच आउट फॉर दिस स्टॉक बी केयरफुल मतलब लो लेवल से ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है पर ऑलरेडी uh, हमारे लेवल के ऊपर स्टॉक ने क्लोज दे दिया है तो वीकली बेसिस पे जैसे आप देख सकते हो मैंने ट्रेंडलाइन बना लिया मंथली बेसिस पे भी हमने ये ट्रेंड लाइन बनाया है ये स्टॉक जो है वो टॉप्स को क्रॉस कर रहा है ये स्टॉक आपके वॉशलिस्ट पे रहना ही चाहिए तो प्रीवियस हाई वो समवेयर अराउंडी वन माथ वन सेवनटी वन और अभी का जो हाई है वो वन सेवेंटी एट करके वन सेवनटी वन पे ही एंड हुआ है तो अभी अगर नेक्स्ट वीक का या नेक्स्ट मंथ का कैंडल अगर ये प्राइस क्रॉस कर देता है तो आप बढ़िया मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो अपसाइड पे तो ये जो है वो हमारे तीन स्टॉक्स है टाटा कंज्यूमर गोदरेज कंज्यूमर और शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया सो That's about it. Have a good trading week and a good trading month. And a good trading year because we are in the start of a new year. Thank you so much and take care.